नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। सूबे के कई जिलों में भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है। जिसके चलते नगर विकास मंत्री ए के शर्मा ने कुछ जिलों में अपने दौरे के दौरान बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया, साथ ही राहत सामग्रियों का वितरण भी किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा मंत्री ए के शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी इन इलाकों की समीक्षा कर रहे हैं। राज्य के कई क्षेत्रों में वर्तमान में बाढ़ का असर है। कुछ जिलों में बहुत ज़्यादा पानी पिछले कुछ दिनों में बरसा था, कहीं कहीं वो उतर भी रहा है, लेकिन कहीं कहीं अभी भी समस्याएं बरकरार है। पिछले दिनों मैं आजमगढ़ और मऊ जिलों में जो बाढ़ के चलते जो समस्याएं खड़ी हुई थी, उनको देखने के लिए मैं स्वयं गया था, और देखने के बाद मैंने वहाँ राहत सामग्री भी वितरित की। जो प्रभावित गांव थे, प्रभावित मकान थे, उनका भी निरीक्षण किया, और कई घरों में पानी भर गया था, कई गांवों में पानी भर गया था। उन सारी परिस्थितियों को देखते हुए मैंने अधिकारियों को उचित निर्देश भी दिए थे। आजमगढ़ और मऊ जिले के अधिकारियों को, मऊ के जिलाधिकारी को भी कुछ हमने सूचनाएँ दी थी। उन सारी सूचनाओं के बाद क्या हुआ, उनमें दो दिन में क्या प्रगति हुई, वो देखने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए, परीक्षा करने के लिए मैंने आज स्वयं फिर से आज हमने वीडियो कॉन्फ्रेंस करके पूरे मंडल के, आजमगढ़ मंडल के कमिश्नर और आजमगढ़, मऊ और बलिया तीनों जिलों के डीएम से हमने बाढ़ की परिस्थिति की पुनः समीक्षा की है। उसी प्रकार बरेली मंडल के का मैं चूँकि प्रभारी मंत्री हूँ, और बरेली मंडल में भी विशेष रूप से दो जिलों में थोड़ा हल्का ही लेकिन थोड़ा असर था बाढ़ का, शाहजहाँपुर और बदायूं जिलों में। वहाँ के मंडल आयुक्त ओबी के साथ और जिलाधिकारियों के साथ, अन्य अधिकारियों के साथ कुछ दिन पहले भी हमने वीसी करके वहाँ की परिस्थिति की समीक्षा की, और पिछले चार पाँच दिन से मैं लगातार उनके संपर्क में भी हूँ, रोज़ क्या परिस्थितियाँ बन रही हैं। आज फिर से मैंने दूसरी बार वहाँ के मंडलायुक्त और सभी चारों जिलों के बदायूं, पीलीभीत, सहारनपुर और बरेली के जिलाधिकारियों, एसपी, आईजी, डीआईजी वगैरह की टीम के साथ हमने आज फिर से समीक्षा की है। परिस्थिति नियंत्रण में है, कोई चिंता की कोई बात नहीं है। दोनों मंडलों में अधिकारी अपना अपना कार्य कर रहे हैं, सजग हैं, और सबको हमने ये भी कहा है कि आने वाले त्यौहार के दिनों में और विशेष रूप से जब पानी बरसता है तो सिंचाई रोग फैलने की का डर होता है, उस दृष्टि से भी वहाँ जो साफ सफाई, एंटी लार्वा दवाओं का छिड़काव, फॉगिंग करना, ये सारी काम जो है नियमित रूप से हों। यहाँ गड्ढे हो गए हैं सड़कों में, उन गड्ढों को भरा जाए। अभी कुछ